काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 23 दिसंबर को काशी आएंगे। इस दौरे में वो काशीवासियों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल को अभी श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा 6 वार्डो में होने वाले कार्यों के साथ ही लहरतारा से मोहनसराय तक 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। वो सर्ववेद मंदिर उमराह में भी जाएंगे। वो काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ यहां संवाद भी कर सकते हैं। संत रविदास मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर हॉल भी बन रहा है। तो काशी को एक बार फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में काशी से उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। वाराणसी वासी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कई बार जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिलता है। और एक बार फिर से 23 दिसंबर को वो काशी आएंगे, यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इसमें सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल का भी श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाएगा। 6 वार्डो में होने वाले कार्यों के साथ ही लहरतारा से मोहनसराय तक 4 लेन की सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर देखी जा सकती हैं।